ये सभी से इंतजार कर रही थी प्रतीक्षा रत की। तो क्या खाएंगे, घरों में रांची से पलटे हो गए थे 10 महीना में। अरविंद कुमार केला चिल्ला का प्रबंध करो, उसके पास है वहाँ कोरोना के 90% इंचार्ज बनाए थे डीसी, उसके बाद में काम करते करते घटना घट गई। मैं 50,000 के फॉर्म भराया, मैं प्रधानमंत्री लोक कलाकार पूरा जी का धन्यवाद करते हैं। अपने बड़े भाई के साथ आपने यहाँ झारखंड की कला संस्कृति दिखी, अद्भुत समाधान था, सबका स्वागत अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री से कहा कि मेरा लड़का सदर गर्व हॉस्पिटल में सीएस के अंदर में जिला लेखा पदाधिकारी था, प्रबंधक था, वो खूंटी से 10 महीने का अंदर जबरदस्ती ट्रांसफर की गई थी। उसी बीच में कुलकर्णी मदन ने इस चीज़ को उसको बोले कि आप तुमको कोरोना का 90 का इंचार्ज बना दी जाती है। उसी बीच में लॉकडाउन टाइम हो गया, उसके बीच में बेटा का हम लोग को बाद में सूचना मिली कि ऐसी घटना घट गई। 8 बजे बेटा से मुझे बात हुई थी, बेटा बोला कि कोई ठीक है, हमारा बहुत हेडक है, लेडक है, पापा क्या कह रहे सब ठीक है, लेकिन हम लोग को पता नहीं उसको कैसे घटना घटी मैं पूरा बता। लेकिन तो वहाँ पर एसपी ने बोला कि काम करते करते ने उनको घटना घट गई। पूरा टेंशन मेरा लड़का था, और इनसे मैं बराबर लिखा परी किया और बराबर लिखे थे यहाँ के, आपको मैंने अरुण कुमार सिंह के पास गया कुलकर्णी प्रधान सचिव थे उनसे, वो बोले कि नौकरी फॉर्म भरवा के 50,000 इंश्योरेंस से प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य विभाग का वो मिलेगा फॉर्म, हम लोग भरे सारा प्रक्रिया किए जिसमें 3-4 आदमी को मिला, मेरा पेंडिंग करके इंश्योरेंस दिल्ली से वहाँ से भेज दिया। हम लोग निराश हो गए, मेरा बेटा का भी मोबाइल गढ़वा थाना में रखा हुआ, उसमें क्या क्या लोग से कुछ बात हुई थी 2 बजे के बीच में, 2:30 बजे तक मेरा बेटा काम किया था, उससे साबित हमको समझ में नहीं आ रहा कि बेटा का कैसे घटना घटी, कोरोना कैसे घटी। लेकिन यही हुआ कि इसको काम करते करते उसके हो गया आवास में जीने था 90 गोविंद का, और आदेश हुआ कि डेरा में बैठ के काम करो जी। अभी क्या मुख्यमंत्री से क्या बात हुई, मुख्यमंत्री से बात शुरुआत की, ठीक है इसमें सारे कागज पत्र है, हमको सर नौकरी चाहिए, बोले का आश्वासन दिए कि हम नौकरी में दूंगा। लेकिन हम जब इनको कई बार लिखा पर किए, सुनील कुमार श्रीवास्तव भी बढ़िया आर सी लिए वो लेटर लेके मैंने गया, सुबोध कांसा के लेटर लेके गया, लेकिन हमको बार बार यही कह रहा उनके पीए अरुण कुमार सिंह का सचिव का कि जाइए नौकरी देंगे मुख्यमंत्री या बना गुप्ता देंगे या आपको सुबोध कांसा देंगे, हम नहीं देंगे। 12 साल नौकरी बेटा के मेरा हो गया था, हम अनुकंपा पर लिखे, ये लोग सी पी सिंह से मैंने मिला, सी पी सिंह भी मुझे अनुशासित किए, राज्यपाल से मैंने मिला, मैडम से, वो भी बोले थे नौकरी होगी, वो भी लेटर इसमें सब लगा हुआ है, सारे अथी कागज में लगा हुआ है, मतलब किसी का मैंने नहीं छोड़ा सर। लेकिन फिर भी आज तक एक पैसा नहीं मिला मुआवजा, झारखंड सरकार 25 लाख का अथी देने की बात है, मेरा नाम उसमें नहीं डूट रहा है बेटा का परिवार का। कि सीएम से क्या बोला, सीएम बाद में ही बोले कि सर मैं आपका नौकरी दूंगा, देखता हूँ उसमें क्या क्या है। हम सर आपसे सर कई बार हमको मिल चुके हैं, अति कागज पत्र लिखे हैं, लेकिन नौकरी अभी तक नहीं हुई, आश्वासन भी हमको दिए हैं कि मिलेगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।